सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस ऑफ द IPv4 एड्रेस। इट मींस मतलब जो हमारे पास IPv4 एड्रेस है उसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उस क्लासेस की रेंज क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि क्लास ए की रेंज जो है वो 0 से लेके 127 तक है, तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि 0 से लेके 127 तक ही रेंज क्यों है, उसके आगे या उसके पीछे क्यों नहीं है। जैसे हमारा 127 की जगह पे 126 भी हो सकता था, 125 भी हो सकता था, और आगे चल के 129 भी हो सकता था, 128 भी हो सकता था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ। सिर्फ क्लास ए की रेंज 0 से लेके 127 तक ही क्यों गई, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं आईपी के, तो प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, आईपी का यूज क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सारी चीजें जब आपको पता चल जाएंगी तो क्लासेस ऑफ द आईपी एड्रेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बेस्ट नेटवर्किंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास IPv4 में अगर मैं क्लासेस की बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ओके, सो यहाँ पे जो क्लास ए की रेंज जो है वो 0 से लेके 127 तक है। कितनी है? 0 से लेके 127। कहीं कहीं बुक्स में आपको मिला होगा 0 से लेके या 1 से लेके 126। देखो यहाँ पे दो केसेस हैं। यहाँ पे क्लास ए की जो रेंज, एक्चुअल जो रेंज है वो 0 से लेके 127 तक है, बट जो वैलिड रेंज है, वैलिड मतलब जो हम पीसी को असाइन कर सकते हैं, तो वो कहां से है? 1 से लेके 126। वो कितना है? 1 से लेके 126 क्लास ए की रेंज में आता है, तो वो हमारा 0 से लेके 127 है। जैसे कि 0 हमारा क्या है? अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस है, और 127 क्या होता है? ये लूपबैक वाला आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये जो पूरी रेंज है 127 की, ये हमारी लूपबैक आईपी एड्रेस की रेंज है। बट अगर कोई पूछता है कि 127 हमारा किस क्लास में आता है, तो वो क्लास ए की रेंज में आता है। ओके, सो यहाँ पे 0 से लेके 127 रेंज होता है क्लास ए का, बट अगर मैं वैलिड रेंज की बात करूं तो ये होता है 1 to 126। वैलिड रेंज मतलब जो हम पीसी को असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास बी की बात करते हैं, तो क्लास बी में हमारे पास जो रेंज है वो है 128 to 191। क्लास बी की जो रेंज है वो कहां से है? 128 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 127 तो हमारा क्लास ए में आ रहा है, तो 128 हमारा क्लास बी में स्टार्ट हुआ और 191 पे हमारा क्या हुआ? इसे फिनिश हुआ। हम ये भी चीज देखेंगे अभी आगे कि ये 191 तक ही क्यों हुआ, इसके आगे क्यों नहीं हुआ। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कि जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए ये IPv4 का कॉन्सेप्ट जो है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। क्लास सी में हम बात करते हैं, तो क्लास सी में हमारे पास जो रेंज है 192 to 223, मतलब 192 से स्टार्ट होती है और 223 पे वो जाके क्लास सी की जो रेंज है वो फिनिश हो जाती है। क्लास डी की अगर मैं बात करता हूं, तो क्लास डी हमारा 242 to 239 और क्लास ई में है हमारा 242 to 255। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करते रहें अपने फ्रेंड सर्कल में। सो क्लास ई का जो रेंज है वो हमारा कितना है? 242 to 255, और क्लास डी मतलब 224 to 239। देखो यहाँ पे जो है ये रेंज तो सारी यूज होती हैं, क्लास ए की भी रेंज यूज होती है, क्लास बी की भी रेंज यूज होती है, क्लास सी की भी, क्लास डी की भी, क्लास ई की भी। बट अगर मैं बात करूं नॉर्मल पीपल कौन सी रेंज को यूज करते हैं, वो क्लास ए से लेके क्लास सी तक, मतलब जो नॉर्मल पीपल हैं, जैसे हम या फिर कोई अदर बंदा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या किसी इंस्टीट्यूट की बात करो, उसके अंदर जो तुम्हारी रेंज यूज हो रही होगी वो कौन सी हो रही होगी? क्लास ए। क्लास बी को यूज कर सकते हैं, क्लास सी को भी यूज कर सकते हैं, बस क्लास डी और क्लास ई नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो रही है, यूज ये भी हो रही है, बट ये रिजर्व है किसी और के लिए। क्लास डी हमारी रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए। क्लास डी हमारी किसके लिए रिजर्व है? मल्टीकास्टिंग के लिए। और क्लास ई हमारी रिजर्व है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए।
क्लास ई जो हमारी रिजर्व है वो किसके लिए रिजर्व है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और क्लास डी जो हमारी रिजर्व है वो किसके लिए रिजर्व है? मल्टीकास्टिंग के लिए। जैसे कि जब भी हमें मल्टीकास्ट ट्रैफिक करना होता है तो उस मल्टीकास्ट ग्रुप का जो आईपी एड्रेस होता है वो इस रेंज से होता है, तो इसको हमने फिक्स कर रखा है। ये मतलब इसको फिक्स कर रखा है कि क्लास डी जो है हमारा मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होगा, और क्लास ई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे हमारे पास नासा कंपनी है या आर्मी का कैंप है, वो लोग जो है वो इस रेंज की आईपी को यूज करते हैं, क्लास ई की आईपी की रेंज को यूज करते हैं। ओके, तो नॉर्मल पीपल जो होते हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूट की बात करूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो वो हमारे क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए को यूज करता है। ओके, क्लास डी और क्लास ई को यूज नहीं करता है। क्लास डी जब भी हमें मल्टीकास्टिंग करना हो ना ट्राफिक, ये मल्टीकास्टिंग का जो टॉपिक है वो तुम्हारा सीसीएनपी में है। सीसीएनए में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं मल्टीकास्टिंग क्या है। जैसे कि आपके पास मल्टीपल राउटर है और मल्टीपल राउटर में कोई डेटा तुम्हें मल्टीकास्टिंग भेजना है, मतलब पांच राउटर है बट तुम्हें तीन राउटर पे ही वो डेटा सेंड करना है, तो तुम क्या करोगे, एक ग्रुप बनाओगे वहां पे, उस ग्रुप में उन तीनों राउटर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और उस ग्रुप की एक आईपी एड्रेस होगी। तो जब भी तुम्हें उस ग्रुप में डेटा को सेंड करना होगा तो तुम उस आईपी एड्रेस पे सेंड करोगे और वो डेटा उस पर पहुंच जाएगा। सो वो जो आईपी होगी वो किस रेंज से होगी? इस क्लास डी की रेंज से होगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टी कास्टिंग की जो रेंज है वो हम कैसे यूज करते हैं। फिर भी नहीं आया तो बस इतना याद रखो कि क्लास डी जो है वो रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई जो रिजर्व है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एंड डी के लिए वो क्या है, रिजर्व है। तो नॉर्मल पीपल कहां से यूज करते हैं? क्लास ए, बी और सी। सो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लास ए की जो रेंज है वो 0 से लेके 127 तक ही क्यों है, क्लास बी की जो रेंज है वो 128 टू 191 ही क्यों है, क्लास सी की जो रेंज है 192 टू 223 क्यों है, और क्लास डी की जो रेंज है 242 239 और क्लास ई की जो रेंज है 242 255। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आपको अगर ये वीडियो को आप देखते हो ना तो आपको आईपीवी 4 का पूरा डीपली पता चल जाएगा। बस इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना।